नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नरेंद्र भैया से, प्याज का ताज़ा अपडेट जानने वाले हैं। जयपुर मुहाना मंडी में प्याज की क्या पोजीशन है, कितनी आवक देखने को मिल रही है और बाजार कहां तक गिरा है या उठा है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट, क्या बाजार खुला है। कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी, आप बताओ। बस बढ़िया सर। तो क्या बाजार खुला है सर आज प्याज में? सर जयपुर प्याज का बाजार बढ़िया, माल तो है नहीं मंडी के अंदर, आओ के भी आज कुछ कमी है, पुराना माल है, उस सरकारी माल आए हुए हैं, डायरेक्ट व्यापारी का माल तो आए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, किसान व्यापारी का माल तो आए नहीं, चोपड़ा और सरकारी माल आए हुए हैं मंडियों के अंदर, वो 10 से 12 गाड़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, आज अगर चोपड़ा की क्वालिटी की बात करें तो 40 से 50% वही माल देखने को मिल रहा है। चोपड़ा 18 रुपए से 25 रुपए बिक रहा है, जो सरकारी माल है वो 25 रुपए से लेके 28-30 रुपए तक। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर वैसे नया प्याज क्या बाजार खुला है? नए प्याज हर तरह माल भाव है जी, 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक। 20 से 50 रुपए तक है, यानी हल्की क्वालिटी का 20 रुपए में मिल रहा है, गोली 10 रुपए में मिल रहे हैं सर। गोली गुलटा चौपा चापा ये आ रहे हैं 18-20 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छा जी, बढ़िया गुलटा सूखा गुलटा 28-30 रुपए किलो बिक रहे हैं, 32 बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया जो ग्रेडिंग साइज बन के आ रहे हैं वो 35 रुपए से लेके 45-50 रुपए तक। तो अपने यहाँ पे अगर बात करें कहाँ कहाँ से प्याज आ रहा है सर? हर तरफ ऑल इंडिया, इस समय कल गोंडल से भी आई है गुजरात की। हाँ बिल्कुल, देखने को एमपी की भी आ रही है, अपनी एमपी की तरफ से नया प्याज आ रहा है, पुराना भी आ रहा है, प्लस में नासिक का भी आ रहा है, ऊना का भी आ रहा है, पुराने माल यहाँ अलवर के भी आ रहे हैं, कोटा का भी आ रहा है, झालावाड़ हर क्षेत्र का आ रहा है, थोड़ा मतलब जामन मथानिया भोपालगढ़ हर एरिया को सब। जयपुर मंडी दिल्ली की तरह ये दो मंडियां हैं हिंदुस्तान में जहाँ हर कैटेगरी का प्याज आता है, हर आपको हर एरिया का माल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, तो सर जैसे अभी नासिक वाला जो प्याज है वो जो चोपड़ा है उसकी वजह से भाव है वो भी गिरा हुआ है। अभी जो बिक रहा है ना, मैंने आपको परसों की वीडियो में ये बताया था, चाहे तो चोपड़ा बिक रहा है चाहे सरकारी माल बिक रहा है, लेकिन जो व्यापारियों के माल है जो पिछले शुक्रवार को, आज शनिवार हो गया, एक हफ्ते पहले जो पिछले हफ्ते 50 से 60 का बाजार हुआ था, इसमें व्यापारी बहुत ज्यादा घाटे में गया, मंडी आगे बढ़ गई, अभी तक क्लियर नहीं हुए वो माल। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस भी क्लियर नहीं हो रहा है सर, पीछे पड़ा हुआ है। व्यापारी कहता है हफ्ते हफ्ते गाड़ियां नहीं खाली होती, वो बेचने नहीं देता, खाली नहीं हो रहता। बिल्कुल, आज वही बात, जो प्याज 55-60 रुपए बिक रहा था आज वो 40-45 रुपए में, 30 से 35। बिल्कुल, 30 से 35, 40-45 बजाय नहीं है, यानी एवरेज माल पड़े हैं, जो बढ़िया माल है वो तो बिक जाते हैं, मसा हो जाते हैं, बढ़िया है नहीं, ताजा गाड़ी आ नहीं रही बढ़िया की। बिल्कुल सर, इसमें व्यापारियों को बहुत झटका लगा है सर, यानी कि पिछले अब जो तेजी रही थी, कमाए भी लोगों ने बढ़िया थे, वो सारे के सारे, वो सारे उससे डबल दे दिए। बिल्कुल, शेयर मार्केट की तरह बिल्कुल डाउन में चले गए, जो 20 रुपए किलो एकदम से तेजी आई थी वो 20 रुपए वापसी आ गए, 20 से 25 वापसी आए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसका कारण है नई प्याज आने का। बिल्कुल, और नई प्याज आने का मतलब कच्चा पच्चा माल आने का, बढ़िया माल उसमें भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आज मंडियों के अंदर अलवर हो चाहे आपका कैरतल हो, जयपुर मंडी आ रहा है, कोटा कोई कहीं का भी आ रहा है नया माल, वो 80% कच्चा माल है, 20% क्वालिटी है, जो दूर जाके बढ़ने का वो माल अपने भाव बिक रहे हैं, चाहे कोई सी मंडी हो, यानी लंबी लोडिंग का माल नहीं है फिलहाल। लंबी लोडिंग का माल भाई साहब आपको कम से कम भी 15 से 20 दिन बाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, अभी क्योंकि यहाँ से प्याज कच्चा निकल रहा है और जाते जाते वो कुर्रे वगैरह निकल आएंगे, उसमें कच्चे बच्चे, अभी जो माल कच्चे बच्चे आ रहे हैं दूसरे दिन किला छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, तो जो बढ़िया सूखा माल आएगा 10 से 15 दिन लगेंगे। अभी अभी जैसे भाव अचानक से डाउन आ गए तो सर अभी कुछ उम्मीद बन रही है सर? उम्मीद तो है ना सर, मैंने पहले भी बताया आपको, अभी मंदे आने या काने तो किसानों ने कुछ स्पीड दिखाई अपनी। बिल्कुल, कच्चा बच्चा माल तक भाई हड़बड़ाहट हुई उनको कि ये भाव आगे ना मिले, प्लस ये पुराना माल एकदम से प्रेशर में आ गया, अब मंडियों में दोनों आपस में आगे भिड़ गए। बिल्कुल, ना पुराना प्याज जो 40-50 रुपए किलो बिकता हुआ 30-35 उसकी रुकावट आ रही है। बिल्कुल, कार्ड नहीं ले रहा और मंदा बिक रहा हो। बिल्कुल, इसको लेके नए को भी लेट हुआ हो। बिल्कुल, नया माल अगर आने वाले समय में नया माल बढ़िया क्वालिटी बन जाएगी तो इनको घबराने की कहीं दूर दूर तक, मैं पहले कहते आया हूँ कहीं दूर तक की सोचेंगे। बिल्कुल, आप किसी एरिया को भी ले लो, गुजरात भी चल जाए, नासिक भी चल जाए, एमपी भी चल जाए, और मैं कहता अलवर भी चल जाए, अपनी अलवर से बढ़िया क्वालिटी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, अलवर और कोटा क्वालिटी और स्वाद है ना वो सबसे ज्यादा इसमें है। हाँ जी, अलवर
यहाँ की जो क्वालिटी है इससे बेस्ट तो गोंडल वगैरह सब कबाड़े आते हैं, बिल्कुल बच्चे बच्चे माल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इतनी बढ़िया ग्रेड इन क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी जो अपने क्षेत्र पे आ जाए ना, अपने क्षेत्र के मुकाबले सिर्फ ओनली नासिक है, नासिक को आने में कम से कम जो डेढ़ से दो महीना बाकी है। बिल्कुल सर, जैसे नासिक की बात करें तो अभी नासिक वाले पीछे 40 से 50 की रेंज में प्याज बोलते हैं, 35 से 45 आज भी है, बढ़िया वाला प्याज आज भी है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, उनके हिसाब से क्योंकि उनके पास 10 से 15% स्टॉक पड़ा है। मैं आपको एक ही बात कहता आया हूँ, वहाँ पर साउथ की मंडिया है, साउथ की डिमांड पूरी है पुराने माल की। तो पहले मेरी एक बात सुनो, जैसे अभी जैसे साउथ में प्याज मान लो नासिक की बात कर रहे हैं 15 से 20% लगा लो और वो उन्हीं की डिमांड का पूरी करेगा सर? नहीं सर, आप डिमांड उधर की भी पूरी होगी। अच्छा, क्योंकि ये माल अभी 15 से 20 दिन तक तो वहाँ जाएंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी इतनी इनकी पकड़ नहीं है, बिल्कुल, जो सूखा माल बन के आएगा जब लंबी लोडिंग चलेगी, हाँ तभी जाएगा, हाँ जी लंबी लोडिंग का माल तैयार होगा जब भी तो वहाँ पहुंचेंगे, अभी यही माल बिकड़े हैं वहाँ पर और ये 15-20 दिन में हो जाएगा, खत्म हो सकता है। बिल्कुल, ये कुछ अपना जैसे लोकल प्याज है जो भोपालगढ़ अजमेर थावला कुछ सामान, ये भी प्याज थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है, इसके भाव को कम कर रहा है, डाइवर्ट ये तो पुराना यूपी में बिकता है, यूपी में भी इस समय नया प्याज चल रहा है, हर जगह कोई सी मंडी में आप उठा, जैसे ये रुक जाएगा प्याज खत्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा संभावना बन सकती है सर? संभावना मैं तो कह रहा हूँ ना, पुराने माल 15 से 20 दिन में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा, अपने हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान प्लस में दिल्ली एनसीआर पंजाब इन 4-5 स्टेटों में तो ओनली अलवर और कोटा पूरा करेगा। हाँ, नॉर्थ इंडिया में तो यही चलेगा, अलवर कोटा चलेगा और ये भी बढ़िया भाव मिलेंगे आने वाले 10 दिन में। ऑल इंडिया के जो बाहर व्यापारी बैठे हैं, अभी पूरे व्यापारी नहीं पहुंचे, ना 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 बिल्कुल, हाँ जी एक दो नजर आ रहे हैं वो भी नजदीक वाले, लंबी लोडिंग वाले कोई नहीं है, लंबी लोडिंग वाले 2-4% आए हुए हैं, बिल्कुल आने वाले 10-15 दिन में जैसे क्वालिटी सुधरेगी वैसे वैसे आपको 50-60% दिखेंगे, बिल्कुल ज्यादा होंगे सर। हाँ जी, भाव मैं ये कह रहा हूँ, भाव पहले से कहता हूँ, नए प्याज बिकेगा हमारे यहाँ 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, बिल्कुल ये 100% है। कल पप्पू भाई का भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी यही कहा है कि प्याज में मंदी कहीं नजर नहीं आ रही है। मंदी ये बात है, नासिक के अंदर सूखा पड़ने के कारण 25-30% प्याज है, बिल्कुल जो नया फसल है, अपने गुजरात साइड में देखोगे तो आप 35-40% है, वहां भी ऐसा नहीं है, 100% है, 35-40% है, अब यार रकबा हर जगह कम लगा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो क्वालिटी अपने अलवर के और कोटा और पहले नासिक, नासिक को आने में 2 महीने बाकी है, बिल्कुल, और ये चालू है, ये आने वाले 15 दिन में बढ़िया क्वालिटी बन जाएगी, इनको भाव बढ़िया मिलेगा, यानी खाने वालों को भी दिक्कत ना आएगी और खिलाने वालों को भी, यानी 30 से 50 रुपए बाजार रहता है, रिटेल में आपको 60 रुपए किलो मिलेगा, तो ग्राहक खाने वाले भी इतने दुखी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो किसानों को क्या कहना चाहोगे, माल को थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी, हम तो किसानों को नहीं कहने का मतलब, किसान समझ भी रहे हैं, बिल्कुल किसानों ने अपने बीच में जो आके बढ़ी थी अब कंट्रोल में आ गई है, बिल्कुल सर, जो आके बीच में एकदम से जाकटे पहुंचे 15,000 रुपए लिया, इन्होंने सही दिमाग लगा, बिल्कुल बिल्कुल, मंदा कहीं भी नहीं, आने वाले समय में 2 रुपए का फायदा होना इनको, बिल्कुल, और अपने तरीके फसल बढ़ेगा तो सर भाव मिलेगा भी, फसल भी बढ़िया तैयार करो, बढ़िया ग्रेडिंग करो, आने वाले समय आपको और बढ़िया देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो हमारा गणित कह रहा है, मंदे का चांस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल, ये तो लगा लो 10 से 15% ये 10 दिन में निकल, ये नासिक वाला है ना सर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, ये माल 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 से 15 दिन में, बिल्कुल, फिर अपने पास लाल लाल प्याज है, बिल्कुल उसकी डिमांड रहेगी, उसकी हल्का रहेगा और हल्के भाव बिकेंगे, बढ़िया बिल्कुल, सही कह रहे हो सर। तो किसानों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक कहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है जी, अभी अगर उनके प्याज रोकने में अगर है दम तो रोके, और अगर मान लो जिन्होंने उखाड़ दिया है तो निकालना पड़ेगा, कच्चा माल किसान फाड़ देता है उसे तो बेचना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सूखने लायक तो उसे सुखाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वजन बढ़ाना चाहिए प्याज, बिल्कुल सर, ठीक है सर। कॉन्टेक्ट नंबर बताएं, कॉन्टेक्ट नंबर 8178871652, नाम नरेंद्र वेदी फूड एंड कंपनी A6 मुहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर।